कि पहली फिल्म जो मैं देखने गया था अपनी लाइफ की वो बुलंदी थी मैं मेरे अंदर ये टैलेंट भी है मैं एक पहला लफ्ज़ लिखा कि मतलब मैं मतलब जरा क्रेजी हो गया था उसकी फिल्म के बाद मैं हुआ पागल इस तरह मैं तेरे प्यार में लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खदत में हाजिर हुई नाजरा मेरे अकम में देख सकते हैं फरहान भाई मौजूद हैं नाजरन का टैलेंट मैं कहता हूँ कि मैं इनको दाद देता हूँ कि रीमा खान के प्यार में रीमा खान के लव में दो हज़ार चार से ही कभी फिल्में लिखते हैं कभी गाने लिखते हैं कभी ड्ररामाज लिखते हैं अभी तक हज़ारों गाने हज़ारों फिल्में हज़ारों मैं कहता हूँ ड्रामाज लिख चुके हैं। तो नाज़रीन फरहान भाई से जानेंगे इनके साथ ये इतना लव किस तरह बना कैसे बना 2004 से मैं हूँ, अभी तक 2022 चल रहा है आपको पता है तो किस तरह लव शुरू हुआ और किस तरह ड्रामेज लिखे या इनका फैमिली स्टाइल है या कोई फैमिली गोल्ड गिफ्ट काम करते रहे हैं। तो जानते हैं अफरहान भाई से यह कहानी किस तरह शुरू हुई असल सर वाले कैसे आप शुक्रिया अफरान भाई आप सुनाए मैं कहता हूँ कि ये इस तरह ये 2004 से आप रीमा खान के डाई हार्ट फैन हैं मैं कहता हूँ कभी मौका मिलता तो शादी भी कर लेते क्या निज़ाम है नहीं शादी तो मैंने खैर फैमिली की मर्ज़ी से ही करनी थी क्योंकि हमारा जो है फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मतलब इस इंडस्ट्री से बहुत दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है मगर ये है कि हाँ हमारी फैमिली में कुछ राइटर्स काफ़ी सारे हैं ठीक है, तो है, है।, है और ये चीज़ें जो होती हैं आपको पता है कि गॉड गिफ्टेड ही होती हैं और जहाँ तक रीमा ख़ान की बात है तो 2004 में मैंने मेरा मेरी सेन्मा के पहली फिल्म जो मैं देखने गया था अपनी लाइफ की वो बुलंदी थी और वो थी रीमा खान की बस उसके ही उसको देखने के बाद ही मुझे एहसास हुआ या मुझे पता लगा कि मैं मेरे अंदर ये टैलेंट भी है मैं एक पहला लफ्ज़ लिखा कि मतलब मैं तरह क्रेजी हो गया था उसकी फिल्म के बाद टीन एज थी मेरी सिक्सटीन ईयर्स सेवनटीन ईयर्स का था मैं तो आके मैंने उसके लिखा कि मैं हुआ पागल इस तरह मैं तेरे प्यार में तो वो बस लिखा तो बस जब तो लिखता लिखता ही चला गया और उस तरह मैं पूरा का पूरा मैंने कंपोजिशन के साथ एक सॉन्ग कंप्लीट कर लिया ये मेरा पहला सॉन्ग था ठीक है 2004 में जो कि मैंने रीमा खान के लिए लिखा तो वाकई पागल हो गए उनके प्यार में हाँ कह सकते हैं उस टाइम तो वाकई पागल था कि इतना कुछ लिख लिख दिया क्योंकि ये कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता अगर आप एक अच्छे फुटबॉलर बनना चाहते हैं या अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर डूबना पड़ेगा आपको दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आप एक वसीम अकरम जैसे एक बॉलर बन सकते हैं और मैराडोना जैसे एक अच्छे फुटबॉलर बन सकते हैं अच्छा सर ये तो था आपका जिस तरह आपने बताया कि शुरू हुई आपने हज़ारों फिल्में लिखी हैं हज़ारों ड्रामाज भी लिखे हैं दो हज़ार चार से आप लिखते आ रहे हैं और नाती सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर एक और ऐड कर दूँ कि ये रेस्टोरेंट के मैनेजर भी हैं और मैनेजर के बावजूद होने के ये मैं कहता हूँ कि किस तरह मैनेज करते हैं लिखते भी हैं राइटिंग भी करते हैं मैनेजरिंग भी करते हैं ये चीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं आप देखें ये जो है ना लिखने के लिखाने का ये शौक़ जो है ये दिल का है ठीक है और जो मैनेजर्स की जो 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 जॉब्स है वो आपके दिमाग की है तो जो दिमाग से ये काम नहीं हो सकता और दिल से जो है वो जॉब नहीं हो सकती ठीक है दोनों के लिए घर चलाने के लिए दिमाग चाहिए और ये काम करने के लिए आपको दिल चाहिए क्योंकि ये चीज़ें तो दिल से लिखी जाती हैं ठीक है उसके बाद आपका दिमाग इस्तेमाल होता है अगर आपका दिल से शौक़ ही ना होगा तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा फिर सर आपने इतना कुछ लिख लिया कहीं से कोई ऑफर हुई हो ड्रामा किस तरह पाकिस्तान की इंडस्ट्री की किसी भी फील्ड से ड्रामा फिल्म गाना किसी भी किस्म की होप सो इंतजार ही करता रहा हूँ मैं तो दो से अब तक कोई अब तक कहे इंतज़ार ही कर रहे हैं 2004 से छः सौ अठारह साल हो गए अभी वेट में ही बैठे हुए हैं कि कोई कहेगा कहेगा देखें मैं इसमें कसूर अपने आप को भी कहता हूँ कि भाई मैंने कुछ और ट्राई भी नहीं किया मैं सिर्फ वेट रीमा खान का ही करता रहा हूँ भाई कुछ मुलाकात हुई और रीमा से कहीं किसी भी सेट के ऊपर या किसी शूटिंग के दौरान हुई है जी शानू स्टूडियो में जब मैं लिखता था तो मैं जाता था हसन अस्क्री साहब के साथ देखने के लिए कि वो किस तरह डायरेक्ट करते हैं या कैसे करता तो तब तो मैं रीमा खान से बहुत बार ट्राई किया मगर उनके इतने ज़्यादा फैंस थे कि मैं उन तक पहुँच नहीं सका मगर उस टाइम मैं समझता ही था कि मैं इतना बड़ा राइटर बन जाऊँगा उसके बाद रीमा खान मतलब कहाँ अमेरिका चली गई और मैं दुबई चला गया और फिर हमारे मतलब कुछ मतलब काम काज में लग गया मतलब तो हर क्रेजी फैन ऐसे ही कहेगा कि जिससे को आप चाहते हो आप उसे ना मिल पाए तो उसके सार, इसके सार, दिल के क्या बीतती है ये आपको नहीं पता <laughs> बहरहाल ये है कि कोशिश मेरी अभी भी है कि अल्लाह करेगा इन शाला जिसके लिए मैंने इतना कुछ लिखा है बहुत दिल से लिखा है रीमा खान के लिए कि मैंने वाकई बहुत दिल से लिखा है और इस मुल्क के लिए मैं चाहता हूँ कि वो वापस आए मेरे लिए ना भी आए इस मुल्क के लिए आएँ और मैं भी उनके साथ मिलके इस मुल्क के लिए कुछ कर सकूं क्योंकि तो ये इमानत सिर्फ रीमा ख़ान की नहीं है ये इमानत इस मुल्क की है ठीक है अगर इतने ज़्यादा सॉन्ग्स इतने ज़्यादा मतलब पूरी फिल्म स्क्रिप्ट ठीक है एक भी गाना अगर मैं कहता हूँ मेरा अस्सी सौ गानों में से अगर मेरा एक गाना भी हिट हो जाता है तो पाक हिंद में किसका नाम जाएगा मेरे से पहले मेरे मुल्क का मुल्क नाम, जा, नाम जाएगा तो मैं समझूँगा कि रीमा ख़ान ने और मैंने इसका हक अदा कर दिया सर ये इतने लिखे हैं कोई जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है अदर कंट्रीज़ के अंदर भी इंडिया में भी लिखता कौन है गाता कौन है लिखता कौन है सेल उसे परचेज़ कौन करता इस तरह का मौका मिला कभी हाँ जी मुझे मिला था कि आप उन्होंने किसी एक डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि आपका नाम हटा के मैं अपना नाम लगा लूँगा और ये सिर्फ ये पैसे आप रख लो तो उस टाइम कितनी पुरानी बात ये 2006 की बात है <laughs> मेरी पहली फ़िल्म प्यार की नज़र कंप्लीट थी तो मैंने वहाँ पे सिर्फ एक अपने दिखाने के लिए एक बड़े अच्छे डायरेक्टर्स को पास किया था कि ये देखें सर मेरे मेरा काम देखें सर अगर आपको कोई हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के बड़ी बड़ी दुनिया देख रही है रीमा भी शायद देख रही हो डायरेक्टर भी देख रहे हैं प्रोड्यूसर भी देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहें कि इस टैलेंट को इस जो मेरी फिल्में गाने लिखे हैं इनको क्या मतलब आप उनको क्या अपील करना चाहते हैं कि मेरा जो टैलेंट है इसको पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए देखिए जी मैं सिर्फ अपने टैलेंट की बात नहीं कर रहा मैं कहता हूँ कि हमारे जितने भी मुल्क के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं ना मैं उनको ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि वो आप जैसे सब चैनलों को लाजमी देखा करें क्योंकि वो हर वक्त अपने दरवाज़े पे देखते रहते हैं कि कहीं से कोई राइटर आ जाए कहीं से कोई सिंगर अच्छा आ जाए या कहीं से कोई कोई अच्छी आवाज़ मिल जाए तो उनको आवाज़ वो दरवाज़ा खोल के मत देखें आप लोग आप जैसे लोग चैनलों को देखें क्योंकि आप लोग हमारी आवाज़ हैं तो हम हम जैसे लोगों को ही वो फिर यहाँ से आराम से वो ढूंढ सकते हैं और उन इस तरह वो अपना काम भी कर सकते हैं और उस टैलेंट को भी इस मुल्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए को उनको क्या अपील करना चाहते हैं कि वो हम काम जिस तरह आपको पता है इंडस्ट्री के अंदर मिलता है टैलेंट हो तो फिर भी मिलता है माशाल्लाह टैलेंट आपके अंदर है हज़ारों सॉन्ग फिल्में लिखे हुए हैं अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो देख रहे हैं तो आपको किस तरीके से वो सिलेक्शन करें मैं कह रहा करूँ कि अगर मेरा काम वो मुझे बुलाएँ ठीक है जैसे एक इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन होती है आपकी जॉब के हवाले से कि आपको किस कितना काम आता है ठीक है तो फिर उस आप से आपको पोस्ट दे दी जाती है किसी भी फील्ड में इसी तरह वो मुझे बुलाएं वो देखते हैं कि भाई मेरे इस गाने इस काबिल हैं कि इसको इंडस्ट्री में चलाया जा सकता है तो मुझे रखें अगर नहीं है तो मुझे रिजेक्ट कर दें सिंपल वे है ये मतलब ए, मैं ये नहीं कहता कि जनाब जी किसी भी टैलेंट को आप अगर देखना चाहते हो उसको बुलाओ तो सही उसको देखो तो सही कि वाकई इसका काम इतना काबिल है या नहीं है नाजिरा आपने जाना फरहान भाई ने बताया कि जिस तरह मेरा टैलेंट है इन्होंने कहा कि अगर मैं इस काबिल हूँ तो तब मुझे सेलेक्ट किया जाए सिफारिश वग़ैरह जिस तरह रिश्वत वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है आपको पता हमारे मुल्क के अंदर यही कहते हैं कि यार उसे रख लो इस फलां के फलां का रेलिटिव या है, है मतलब इसके बारे में कमेंट्स किए हैं फ़रहान भाई ने यह बहुत बड़ी बात कर दी है कि मैं मेरे अंदर टैलेंट है मेरे गानों में पावर है या मेरी लिखाई के अंदर कोई अच्छाई है तो तब मुझे रखें तो फ़रहान भाई की स्टोरी के लिए कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिएगा इसी के साथ अपने मेज़बान असलम ऊषा को इजाजत दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान ज़िंदाबाद